मलने कोई आया की उपाय तीसरी बता रानी झटपट आवे चोपड़े माई रानी समतो दो दो रानी समतो दो दो करियो रानी दो 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 करियो पूरे उदल के बारे का प्यारा जी सिपाही प्यारा तेरी भगति अपना हाथ बैठा के और वह चौपड़ की सुरत लगा ली। राजा एक डोटी उंगाली दूजी उंगाली तीजी पे आए चौपड़ के माए हट के वो गंगाधर सुबह भैती का वाले को सुन रहे। राजा रिसालू ने एक जवाब कोई शाम लोग महल गमनी को आगो तेरी रानी चौपड़ खेद रही है ऊपर ले अटारी का है। इतना सवाल सुनते ही राजा रिसालू का वाले को यार सुबह तले दिल्ली थोड़े साथ ले चू तू गुरु गोरखनाथ को चेलो से पावन पिरा की करा मात्रा साथ में से तेन छह महीना अगली पांचवी सुधर से मैंने कोई आया की उपाय बता और जैसे रानी अपने आप सोपण में आवे और मैं रानी से दो दो बात सुहाबात्री का बालक घूम के हट कर राजा सालू सुहाबात्री बोलता सुन रहे। राजा सालू ने एक जवाब बावन बिरा की करामात का साथ के मान से एक काम कर उस डोकरी का भेष बना ले या पुटली अच्छा में कांकरा की चाकी पीछना शुरू कर दे तेरी रानी चाकी की आवाज सुनी नार बाल टगल दी सोपड़ का मायने। मेरे सुनो राजा सालो इतना सवाल सुनते ही झट पावन बिना सुमर का और वह फूट लिया क्या मैं काकरा की चाकी पीछना शुरू कर दिया। वह रानी नोप दे चाकी की आवाज सुनी वह गमनी का रामू ने कहा वाले की के हट कर रानी नोप दे बहुत ही सुट रहे गमनी का रामू ने एक जवाब भाई चाकी तार की डालती मान लो रात में मैं जाऊं मेरा महला का है गमनी का रामू ने मन में तोड़ डालती रात तो बहुत ताल रात बती तो ही बस झट कड़ी में टाइम देखना हट कर गमनी का रामू बोलता सुनिए रानी ने एक जवाब भाई बारह बजाचे घड़ी का मान या तो कोई फूड रान सही ना भरोसा को ना रात को चाकी का लागी शामी रोपावली बाप भी कोई कुड़ी कुड़मा की तो ध्यानी छे और पीछ भाई की चिंता से जो चेत हो और चेत हो है चाकी के रानी वापिस बैठ गई। राजा रिसालो का वाला गोरे सुवा वा रानी नोप दे बड़ा बहुत विद्वान खड़ी लिखी है कि उपाय से कैसे आवते कोई दूसरी उपाय बता तत्काल और जैसे 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 चौपड़ मावे मैं मन की दो बात सुओ का वाले को ला राजा कोई उपाय बने एक छोटी सी उपाय छवा कौन सी अस ये काम कर तेरे 3600 जानवर की बोली बोल बोल याद से मुर्गा की तीन आवाज लगा दे तेरी रानी मुर्गा की आवाज सुनी ना अरे बार चौपड़ का बीच में मेरे सुनो फिर राजा ने मुर्गा की आवाज लगाई हुआ रानी मुर्गा की आवाज सुनी गमनी का रामू ने कहा वाले की के हट कर रानी नोक दे बोती सुन रहे गमनी का रामू ने एक जवाब भाई पहलो मुर्गो बोल गो चार को मैं जाऊं मेरा महला कहे फिर गमनी ने घड़ी में टाइम देखना आगा ये गमनी को रानी ने कहा बालक घूम के हट के गमनी का रामू बोलता सुनिए रानी ने एक जवाब एक बजो चे घड़ी के माँ ने कोई पिल्लाई को दबा लो मुर्गो बोल गो को टेम का है रानी ई मुर्गा ने तो कोई पिल्लाई दबा लियो और मैं बिल्ली को दबा लो बाप लो फिर रानी वापिस बैठ गई वही चौपड़ वही शहर। राजा रिसालू सुहा बैठ ने कहा बालक और सुहा तू गुरु गोरखनाथ को चेलो से पावन बिराई के करामात रा साथ में से अरे दो बजे आया चार बजे नगरी जागे होगी फिर क्या कर लेंगे वे कोई तीसरी उपाय है कि बता तत्काल और जैसे रानी देखा दे चौपड़ में आवे और मैं रानी से मन की दो दो बात मेरे सजनों वो गंगाधर सो बैठरी चालाक वह राजा रिसालू ने दोस्त में तीसरी उपाय बतावे और वह रानी झट चौपड़ का बीच में आवे और वो राजा रिसालू के दो सवाल में रानी ने सुनावे Thank you.
सूरमा तो सत छोड़ा पत जाई सत की बांधी लक्ष्मी अरे फेर मिलेगी आई रे सालू राजा जीणो जीणो बोलियो सालू राजा जीणो जीणो बोलियो सालू राजा जीणो जीणो बोलियो ओरे ते जैदले बोल का प्यारा जी भाई अरे तू चेलो गोरखनाथ को तीसरी उपाय आया कि बता रानी झटपट आवे चौपड़ माही रानी सम तो दो दो करियो रानी सम तो दो दो करियो रानी मैं दो दो करियो ओरे उदल की बारदा प्यारा जी जी भाई की बात इतनी सुन के गंगा दरसुओ बोल तो अर सुन रावरी सालू जाऊ रसुओ मड़ो ट्यू ट्यू बोलियो मड़ो ट्यू ट्यू बोलियो मड़ो ट्यू ट्यू बोलियो तो अपने का पीछा तारा जी जी भाई अरे बावन वीर सुमर ले अरे बंगण का बेश बना ले चोपड़ी माई रे प्यारा जज सोलो भाई ओ प्यारा जज सोलो भाई ओ प्यारा जज सोलो भाई ओ रे उले साथ में तारा जी भाई I'm
Thank you.
हमारे यहाँ सभी ओरिजिनल पी रिकॉर्डिंग कैसे